नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की जर्नी में हम 53वें एपिसोड में पहुंच चुके हैं। इसमें भारत का हम वर्गीकरण पढ़ चुके हैं, वर्गीकरण की ही वनों के वर्गीकरण की ही बात कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे जलवायु दशाओं के आधार पर वनों का जो वर्गीकरण है, इस पर बात करेंगे हम। तो इन दशाओं के आधार पर वनों को 11 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और ये 11 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद हमारा आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन जिसको सवाना क्षेत्र भी कह सकते हैं इसको भारत में, उपोष्ण पर्वतीय वन, उसके बाद आ रहा है हमारा शुष्क पतझड़ वाले वन, अब आएगा हिमालय के आर्द्र वन, आगे फिर देखेंगे हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन जिसे कि हम लोग हिमालयन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, और आगे बढ़ते हुए हम पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन को देखेंगे, फिर आगे हम पढ़ेंगे अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन वनों के बारे में, फिर मरुस्थलीय वनस्पति 10वें नंबर पर, और अंत में 11वें नंबर पर हम देखेंगे कच्छ या ज्वारीय वनस्पति जिसे हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं, स्थानीय भाषा में जिसे सुंदरी के नाम से जाना जाता है बंगाल में, जिसके नाम पर बंगाल का प्रसिद्ध सुंदरवन डेल्टा जिसके नाम से जाना जाता है। तो हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, इसकी जो औसत वर्षा होती है वो 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इसे 150। और कुछ पाए वृक्षों में हम देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिसमें साल है, सखुआ और रोजवुड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। उसके बाद इसमें कुछ एपिफाइट प्रकार के भी पाए जाते हैं पौधे, फिर परजीवी किस्म परजीवी भी होते हैं जैसे कि अलग अलग तरह के लताएँ वगैरह हैं, या फिर एक कुछ वृक्ष हैं जो कि एक वृक्ष पर दूसरे वृक्ष उग जाते हैं, फिर लियानस और कुछ अलग प्रकार के हम लोग वनस्पतियों के बारे में भी फिर देखेंगे। उसके पहले इसके वनस्पतियों पर बात करें, इससे पहले हम देखेंगे यहाँ का जो इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार हम पूरब से देखते हैं, पूरब में वो भी दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्व से। दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु का पूर्वी तट और आंध्र प्रदेश का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर ये क्षेत्र है। उसके अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सुंदरवन डेल्टा का क्षेत्र नहीं, ये लगभग पश्चिम बंगाल पूरा, उसके बाद वो नॉर्थ बंगाल और बिहार का कुछ हिस्सा, नॉर्थ बिहार का कुछ हिस्सा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर किशनगंज अररिया वगैरह का एरिया है, नॉर्थ बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर पूरा नॉर्थ ईस्ट, और इसके अलावा हमारा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी इस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं, यहाँ पर जो पाए जाने वाली वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पर इसमें देखा जाता है कि पूर्वी हिमालय जो निचले ढालों पर है, और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाएंगे वो एपिफाइट्स होगा, परजीवी होगा, लियानास वगैरह इस किस्म के पाए जाते हैं। और यहाँ वृक्ष जो है बहुत तलीय पाए जाता है, एक तल नहीं, एक समान वृक्ष नहीं होता है, कुछ वृक्ष बहुत लंबे हैं, उसके बाद कुछ है उसकी कई तल में पाए जाते हैं। और यहाँ चूँकि कई तलों में वृक्ष होते हैं जिसके, और छाया बहुत घनी होती है, सूर्य की रोशनी जो है धरातल पर बिल्कुल आसानी से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण इस क्षेत्र में घास बहुत कम होते हैं, इसके स्थान पर लंबे लंबे घास होते हैं जैसे कि बैंत हो गया और बांस, इस प्रकार के अन्य वनस्पति। आप यहाँ पर एलिफेंट ग्रास या लेमन ग्रास भी देखा जाता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं ये घास, इस प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे बैंत, ताड़, बांस पाए जाते हैं, इसके अलावा सफ़ेद देवदार, तून, धूप, मैसुआ, होपिया, बैत, गुर्जन जिसको अर्जुन भी कहा जाता है या कुआसन कहते हैं, अर्जुन वृक्ष पाया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है साल, जो यदि इमारती लकड़ियों की बात करें तो यहाँ सीसम, रोजवुड, कांजू, मैसुआ, साल और कदम, इस प्रकार के जो वृक्ष हैं बहुतायत में पाए जाते हैं, साल और कदम सबसे ज़्यादा, और अर्जुन वृक्ष जिसको गुर्जन के नाम से जाना जाता है ये भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इस क्षेत्र को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है शुष्क मौसम नहीं होता या बहुत कम होता है, यहाँ सालों भर यहाँ का मौसम जो होता है आर्द्र होता है, यहाँ की हवा में नमी होती है, इस कारण
पौधों को पानी की कमी कभी महसूस नहीं होती, जिसके कारण ये पेड़ पौधे यहाँ के कभी भी अपनी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिराते। पत्तियाँ जैसे जैसे परिपक्व होती जाती है, एक के बाद एक गिरती रहती है, और सालों भर यहाँ के वृक्ष हरे भरे होते हैं, जिसके कारण इसको सदाबहार वन कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ की जो औसत वर्षा है वो 150 mm है, ये 250-300 तक भी जा सकती है, ये कम से कम ये है यहाँ का। अब आगे इसका विस्तार भी हमने देख लिया, इसके वनस्पतियों को देखा। अब चलिए हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की। आर्द्र पर्णपाती वन उष्णकटिबंधीय है। अब पर्णपाती वन कौन सा, अभी हमने देखा सदाबहार वन, सदाबहार वन के अलावा अब है कौन सा, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन से मतलब है कि ऐसा वन जहाँ जहाँ वृक्ष साल भर में एक बार अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देती है। और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि जो बसंत का मौसम आता है फरवरी और मार्च में, सभी पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते आते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि नमी की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण वो अपने वो जो समय होता है काफ़ी सूखा होता है, जिसके कारण पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि पानी का को बचत किया जा सके, अधिक से अधिक पानी का बचत किया जा सके। उसके बाद जब हवाएं नम होने लगती हैं तो फिर नई नई कोपलें आने लगती है और यहाँ फिर नए नए पत्ते आ जाते हैं। यहाँ वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान वही है सेम, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस। अब वनों का विस्तार की हम बात करें तो ये देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का है। यानी कि एक मिनट हम इसको अलग यहाँ देख सकते हैं, हम अभी देख रहे हैं कौन सा, आर्द्र पर्णपाती वन, यानी कि मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जो हिस्सा है इसमें खास। अब देखिए इसका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा तटीय, पश्चिम बंगाल और हिमालय का जो क्षेत्र है, ये हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है, यानी कि फुट हिल्स, हिमालय फुट हिल्स जिस बोलते हैं, हिमालय का तराई का क्षेत्र, जिसमें कि आप इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, थोड़ा बहुत हरियाणा, इन क्षेत्रों में ये पाए जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, MP और आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत तेलंगाना का भी रीजन आएगा। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र देख सकते हैं, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, इस क्षेत्र में भी एक इस प्रकार के पौधे पाए जाएंगे। अब चलिए हम अभी आगे हम देखते हैं इसके बारे में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उसके बाद ये मैप जो है टोटल देखा, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि पूरा पर्णपाती वन, आद और उष्ण से मतलब नहीं है इसको, ये पूरा जो पर्णपाती वन है उसका एक मैप है। इसके अलावा हम देखेंगे अब आगे कटीले वनों का, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। और यहाँ इसमें किस प्रकार के वनस्पति पाए जाएंगे, यहाँ जो वनस्पति होगा यहाँ पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा सागौन, साल, और दक्षिण भारत में चंदन जो पाया जाता है, चंदन की लकड़ी, पुष्पा, आप सबने देख ही लिया होगा पुष्पा को, पुष्पराज, कौन सी फिल्म है वो, पुष्पा ही है ना, तो उसमें भी ये इसी चंदन के बारे में बात की गई है। इसी इस प्रकार के वनस्पति यहाँ पाई जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा सागवन, साल, चंदन, शीशम और हुर्रा या हर्रे जिसको कहते हैं, हरड़ जिसको बोलते हैं। इसके अलावा खैर, ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये जो इस क्षेत्र में पाए जाने वाला जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है, यहाँ पर पाए जाने वाली लकड़ियाँ जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इमारत मतलब इंडस्ट्रियल रूप से, औद्योगिक रूप से। यहाँ पर शीशम इमारती लकड़ी है, चंदन इसके बारे में तो पूछना ही मत है, साल साल के बाद साल जिसको सखुआ, हमारे यहाँ सखुआ कहा जाता है, सखुआ मतलब 100 साल पड़ा 100 साल खड़ा, यानी कि 100 साल यदि वो कहीं लगा दें तो भी वो 100 साल रखेगा, उसके बाद यदि कहीं छोड़ दें उसको तो भी वो 100 साल वैसे का वैसा ही रहेगा। यदि मैं दिखा सकता तो, कैमरे अभी नहीं है, घरों में सखुआ का लकड़ी लगा हुआ, ऑलमोस्ट 70-80 साल हो चुका है, ये ऐसे ही है आज भी जैसे का तैसा। अब आगे हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वन के बारे में। जो उष्णकटिबंधीय कटीला वन जो होता है, ये जो एल्पाइन, सॉरी, माउंट ट्रॉपिकल थॉर्न जिसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्नी, ये हमारा ये जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यानी कि कटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो एक तरह से अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, मरुस्थल नहीं होता वो, अर्ध मरुस्थल होता है और गर्म भी होता है। तो ये जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र है,
देखेंगे कि जब इधर से जब मानसूनी हवाएं चलती हैं तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के सहारे ये पैरेलल उत्तर की ओर बढ़ जाती है, ऊपर की ओर। और यहाँ इस क्षेत्र में बारिश नहीं होता, बहुत कम या नहीं के बराबर होता है। महाराष्ट्र का जो इंटीरियर एरिया है, अंदरूनी हिस्सा है महाराष्ट्र का, ये यहाँ पर बारिश बहुत कम या नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ ही सबसे ज़्यादा उगती है। तो अब इसी यहाँ पर ये हिस्सा है महाराष्ट्र का, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंदरूनी तमिलनाडु के कुछ हिस्से भी इसमें आते हैं, जो कि ये कटीले वन पाए जाते हैं इसके। अब इसके अलावा अब आपको पश्चिमी घाट के ढालों पर भी ये देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं ये पतली पट्टी। आगे जाकर ये बम्बो यहाँ पर ये आगे ये आद्र पर्णपाती वन का रूप ले लेती है यहाँ, लेकिन इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा पूरा गुजरात और राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र यहाँ पर ये शुष्क वन मतलब ये सॉरी कटीली झाड़ियों वाला प्रदेश है। हरियाणा, राजस्थान, अलवर वगैरह का जो रीजन है ये। उसके अलावा यूपी में कानपुर और कानपुर के आसपास, और ये जो पूरा बुंदेलखंड का रीजन है, चंबल का रीजन है, यहाँ पर भी इस तरह कटीली झाड़ी। और इन कटीली झाड़ियों में जो पाई जाती हैं वो जो वनस्पति हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कच्छ, मध्य प्रदेश तथा तो हिमालय का कुछ फुट हिल्स जो कि हिमालय का जो के कुछ हिस्सों में मतलब में ये क्षेत्र ये वन पाए जाते हैं, कटीली वन झाड़ी वाला। हिमालय का जो गिरिपाद क्षेत्र या पदगिरी क्षेत्र है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र, इसको गिरिपदीय क्षेत्र या तराई क्षेत्र जिसको बोलते हैं, या इंग्लिश में जिसको फुट हिल्स बोलते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो वनस्पति पाए जाते हैं इसमें बबूल है, जंगली ताड़ और कुछ झाड़ियाँ, खैर और कैक्टस। इसके अलावा पलाश, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लकड़ियाँ हैं वो बबूल, खैर और पलाश है। ये औद्योगिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बबूल की जो लकड़ी है काफ़ी मजबूत होती है, वो वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाला जो गुटखा वगैरह इस्तेमाल करता है वो लोग बनाया जाता है, या फिर कभी मशीनरी का जो फाउंडेशन होता है इंजन वगैरह सेट करने के लिए, उसके लिए उस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। और खैर का इस्तेमाल आपको पता है कि पान में जो कत्था बनता है इसी खैर से बनाया जाता है, खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया, खैर के वृक्ष से ही कत्था प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उपोष्ण पर्वतीय वन। ये उष्ण नहीं है, उपोष्ण है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत गर्म भी नहीं है, उष्ण है, उपोष्ण है। यहाँ वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच यहाँ बारिश देखी जाती है। तापमान यहाँ का 16 से 22 डिग्री सेल्सियस है। अब वनों का विस्तार देखें तो उपोष्ण पर्वतीय वनों का, तो ये हमारा है सब ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये जो हिस्सा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ये इसका बहुत ही सीमित क्षेत्र है। एक मिनट, इसमें भी इस मैप में भी देख लें, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, इसमें ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेट है, नहीं है इसमें, सॉरी, चलिए सर इसको ध्यान रही ना, इसको होता तो फिर हम इसको डाउनलोड ही क्यों कर, इस मैप को लगाते ही क्यों। तो ये इसका विस्तार है इसका। अब आगे यदि हम इसका इसमें आने पाने वाले वनस्पतियों के बारे में यदि देखें, ये यहाँ भी एक प्रकार पर्वतीय वनस्पति ही देखी जाती है। यहाँ पर चीड़, और ये जो विस्तार इसका देखें, एक यदि राज्यों के रूप में देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के ढालों में पाया जाता है। ये ढाल वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ये बहुत ऊंचाई पर नहीं होता, पर्वतीय ढालों में पाया जाता है। और यहाँ का जो मुख्य वृक्ष है, वृक्ष पेड़ पौधे में पाइन यहाँ का सबसे प्रमुख है, परंतु चौड़े पत्ते वाले वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। चौड़े पत्ते वालों में यहाँ पर ओक, जामुन तथा रोडेंड्रॉन पाया जाता है, ओक, जामुन तथा रोडेंड्रॉन। आपको पता होना चाहिए कि ओक जो है भारत की स्थानिक जीव मतलब वनस्पति नहीं है, ये बाहर से मंगाया गया है। कहा जाता है कि उत्तराखंड का त्रासदी जो 2013 में आया था
वहाँ पर ओक भारत का है, पॉपुलर नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉपुलर ओक पॉपुलर का वृक्ष जो होता है, और पॉपुलर काफ़ी महंगी काम, मतलब कि औद्योगिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके पेपर बनाए जाते हैं, माचिस की तीलियां बनाई जाती है। उत्तराखंड की जो त्रासदी आई थी इसमें कि ओक को स्थानांतरित करके उस जगह पर पॉपुलर लगा दिया गया था, तो बताया जाता है कि उत्तराखंड की त्रासदी में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा कि पॉपुलर जो होता है मिट्टी को ज़्यादा पकड़ता नहीं, ओक जो है, ओक की जड़ें जमीन तक बहुत ज़्यादा फैली होती है, जिसके कारण जो पॉपुलर वृक्ष था वो पानी के बहाव को वो रोक नहीं पाया, और पानी के बहाव के साथ खुद भी बहने लगा और एक विकराल रूप सामने देखने को मिला 2013 में। तो इसके बाद हम चलिए अब हम बात करेंगे अब आगे शुष्क पतझड़ वाले वन, शुष्क पतझड़ वाले, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये जो शुष्क पहले हमने पढ़ा था ये आर्द्र आर्द्र पतझड़ वन, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये वाला बहुत बड़ा, सॉरी ये वाला। अब हम देखते हैं मतलब ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ऑलमोस्ट पूरा झारखंड, सिर्फ इस क्षेत्र में, ये जो दक्षिण का जो क्षेत्र है झारखंड का, कोल्हान क्षेत्र जिसको बोलते हैं, इधर को छोड़कर बाकी पूरे में ये है आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप यूपी पूरा है ये, इसको क्षेत्र का कटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र छोड़कर पट्टी के रूप में यू कर सकते हैं इसको, हरियाणा, पंजाब, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, थोड़ा बहुत तेलंगाना, गुजरात और राजस्थान, इन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे और के यहाँ के जो पाए जाने वाले वनस्पति, तापमान यहाँ ऑलमोस्ट 20 डिग्री के आसपास औसत तापमान होता है। यहाँ पर वन में जो वनस्पतियों के, वनों के प्रकार लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकार की बात करने, शुष्क पतझड़ वन में शुष्क पतझड़ वन में जो वनस्पतियों की यदि बात करें तो यहाँ बबूल, जामुन, मोदिस्टा तथा पिस्तासिया, पिस्तासिया यहाँ पर मुख्य रूप से ये सारे पाए जाते हैं। जामुन, आपको पता है कि जामुन जो है भारत में सबसे ज़्यादा लगभग हर जलवायु में पाया जाता है, जिसके कारण भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा गया था। जामुन के पेड़ यहाँ हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, पूरे भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी अलग अलग वैरायटी का जामुन आपको, जामुन पूरे देश में मिलेगा और बहुतायत में दिखेगा। हमारे यहाँ तो यूं ही झाड़ झाड़ के रूप में जहाँ तहाँ उगाते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर घास, झाड़ी और घास वगैरह जो है बरसात में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर यहाँ का जो जमीन है, क्योंकि ये शुष्क है तो यहाँ पर घास बहुत नहीं उगते हैं और झाड़ियाँ भी नहीं, बारिश बहुत कम होता है, तो ये झाड़ी घास वगैरह बरसात में आपको देखने को मिलेगा। बाकी पेड़ और ऊंची झाड़ियाँ यहाँ पर सालों भर देखने को मिलती, कटीली झाड़ियाँ। इसके बाद हमारे आएगा हमारा आर्द्र, हिमालय के आर्द्र वन, हिमालय के आर्द्र वन, मॉइस्ट, हिमालयन मॉइस्ट, ये जो है हमारा आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अलावा इधर तो नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं देखने को मिलेगा आपको, ये पश्चिमी हिमालय में ही सिर्फ देखने को मिल रहा है। इसकी जो ऊंचाई है 1,000 से 2,000 मीटर के बीच ये पाए जाते हैं, इसका विस्तार देख लिए। अब हम यहाँ के जो वनस्पति हैं उसमें पाए जाने वाला वनस्पति कौन कौन सा है, यहाँ तो ओक है, चेस्टनट, चेस्टनट, फिर है चीड़ जिसे पाइन भी बोलते हैं, उसके बाद है चिलगोजा, सहतूत, मैपल और जैतून, झाड़ियां हैं, घास भी। देखिए यहाँ आर्द्र वन बहुत तेज नहीं होती, हल्की बारिश होती पहाड़ों पर और फुहारों के साथ बारिश होती है, क्योंकि ये ठंड होता है यहाँ पर, या पर बर्फ के रूप में बारिश होती है, तो यहाँ जो होता है यहाँ मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है, तो साल में जितने भी वनस्पति घास जो उगते हैं, घास उगा उसका पूरा जीवन काल पूरा हुआ, मरा और वहीं सड़ के वहीं रह गया, फिर उसके ऊपर घास होता है, तो यहाँ पर ह्यूमस की जो मोटाई है बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर जो है जलवा आप कह सकते हैं कि यहाँ जो घास है वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। अब आगे हम देखेंगे हिमालय के शुष्क वन,
हिमालय का जो शुष्क वन है, मतलब हाँ हिमालयन ड्राई फॉरेस्ट जो है, ये हमारा पाया जाएगा। ये भी सिर्फ पश्चिमी रीजन में ही पाया जाता है, ये हिमालय के शुष्क वन जो ये है, इसका जो यहाँ पर ये प्रमुख रूप से शंकुधारी वन है, यहाँ झाड़ियाँ भी देखी जाती है। वृक्ष की प्रमुख किस्म यहाँ का कौन सा है, देवदार है, बाज, चिलगोजा, देवदार, बाज, चिलगोजा, एस, चिनार, सहतूत और जैतून। इसके अलावा विलो जिसको भीसा बोलते हैं, और कैटलिस, चेरोसिया, इस प्रकार के वनस्पति यहाँ देखने को मिलती है। और ये पाया जाता कहाँ, जम्मू कश्मीर, लाहौल, चंबा घाटी और किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर घाटी, चंबा घाटी और हिमाचल प्रदेश का किन्नौर और चंबा घाटी के अलावा लाहौल और फिर जम्मू कश्मीर में। अब चलिए अब आगे देखेंगे हम पर्वतीय शीतोष्ण, अरुणाचल प्रदेश और उसके, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड पर्वतीय, इसमें यहाँ पे वही है कि देखिए हिमालय इसकी ऊंचाई बहुत कम है और सकरी भी है। तो यहाँ पर जो है जो वनस्पति है वो है ओक, स्प्रूस, देवदार, मैग्नेलिया, यू, चेस्टनट, केमेसाइप्रस, चिनार, सिल्वर फर वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे हैं। इन वनों में जो झाड़ियाँ, लताएँ और फर्न्स भी पाए जाते हैं। इन वनों की लकड़ी काफ़ी टिकाऊ होती है, ये इमारती लकड़ी के रूप में काम किया जाता है। देवदार आपको पता है कि बहुत मजबूत और हल्की लकड़ी होती है, देवदार की लकड़ी पर बहुत अच्छी नक्काशी की जाती है, देवदार की लकड़ी से ही क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और भी बहुत सारे चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लकड़ी है ये। उसके बाद हम चलेंगे अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन, यानी कि अल्पाइन एंड सब अल्पाइन फॉरेस्ट, ये पाया जाएगा 2500 से 3500 मीटर के बीच। यहाँ पर जो वनस्पति इसका विस्तार यदि देखें अल्पाइन एंड सब अल्पाइन का, तो ये आपको हमारा काराकोरम से लेकर आपका ये मतलब ये हिम उत्तराखंड तक देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इस क्षेत्र में इसका जो उत्तराखंड का उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल का उत्तरी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का उत्तरी एवं लद्दाख का दक्षिणी क्षेत्र भी, और ये गिलगित बाल्टिस्तान रीजन तक इसका विस्तार है। एक लंबी मतलब एक पतली पट्टी के रूप में यही वो क्षेत्र है जहाँ से सिंधु नदी गॉर्ज बनाती हुई आगे बढ़ती है। गॉर्ज के बारे में आगे हम लोग पीछे एपिसोड पीछे हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और यहाँ की जो वनस्पति है, यहाँ जो पाए जाने वाले माफ करेंगे यहाँ जो पाए जाने वाला वनस्पति है अल्पाइन तथा अर्ध अल्पाइन में, जो फिर वही पर्वतीय वनस्पति है जिसमें कि कैल, स्प्रूस, यू, देवदार, बर्च, हैंस्कल, अंटेमेसिया, पेनिनटलिसिया छोटे, और फिर कुछ छोटी झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, छोटी छोटी मतलब झाड़ीदार वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से। देखिए देवदार जो है पूरे हिमालयन रीजन में देवदार जो सबसे प्रमुख लकड़ी है, हर जगह ये देवदार पाई जाती है, देवदार और स्प्रूस। इसके अलावा चीड़, चीड़, देवदार और स्प्रूस, ये ऐसा है कि हिमालय क्षेत्र में हर जगह पाए जाएंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा, बाकी आप इधर आया गया हो सकता है। उसके बाद अब हम देखेंगे मरुस्थलीय वनस्पति। मरुस्थलीय वनस्पति, मरुस्थल एक ऐसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ वर्षण से अधिक वाष्पीकरण होता है, यहाँ वर्षण जो वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम देखा जाता है। इसका विस्तार यदि हम बात करें तो मरुस्थलीय वनस्पति का यदि विस्तार की हम बात करें, मरुस्थल वनस्पति भारत में मरुस्थल दो है, एक तो राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, और दूसरा लद्दाख का। लद्दाख जो है एक कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है, और राजस्थान का जो मरुस्थल है वो गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर पाई जाती है अलग अलग प्रकार की वनस्पति, यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है इस क्षेत्र में जो है गर्म मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति, हालांकि ये जो कोल्ड डेजर्ट है ये यहाँ का लद्दाख वगैरह में, यहाँ पर वनस्पति यहाँ पर जो है बहुत ही कम वनस्पति देखी जाती है। गर्मियों में लाइकेन, मॉस जैसे और कुछ छोटी छोटी घास वगैरह वनस्पति देखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो राजस्थान वाला जो गर्म मरुस्थल, बबूल, जंगली खजूर, इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे पेड़ पाए जाते हैं, और कहीं कहीं खैर और जैसे भी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, झाड़ियाँ, झाड़ीदार वृक्ष, कंटीली झाड़ियों वाले वृक्ष भी इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब अंत में चलिए हम देखेंगे फिर से कच्छ वनस्पति, इसे हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं। यदि हम मैंग्रोव वन की बात करें तो मैंग्रोव वन एक ऐसी वनस्पति है जो कि
ऐसे जगह पर उगती है जहाँ पर खारा और मीठा पानी जनरली मिलता है समुद्र का उस क्षेत्र में। तो इसके बारे में यदि हम देखें तो इसके मैंग्रोव क्षेत्र भारत में जो पाया जाता है वो है पहला कच्छ, दूसरा रत्नागिरी, तीसरा गोवा, चौथा कुंडापुर, नद केरल, सातवां मुथुमपेट तमिलनाडु, आठवां तमिलनाडु, नौवां कृष्णा एस्चुरी आंध्र प्रदेश, दसवां कोरिंगा आंध्र, ग्यारहवां महानदी डेल्टा उड़ीसा, बारहवां भितरकनिका उड़ीसा और तेरहवां सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ये जो है भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ पर इसे सुंदरबन कहा जाता है, सुंदरबन, क्योंकि यहाँ पर यहाँ जो पाया जाने वाला वृक्ष है इसको सुंदरी कहा जाता है। यहाँ पर सुंदरी वृक्ष क्योंकि सालों भर वो हरा भरा रहता है, ये भी सदाबहार वन जैसा ही होता है, जिसके कारण इसको सुंदरी कहा जाता है और उसके नाम पर ये सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। और इस पूरे रीजन को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा 13 यहाँ पर है एक और 14वां हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ये जो हमारा इसमें जो है ये हाँ जो कच्छ वनस्पति है इसका उपयोग जनरली ईंधन के लिए किया जाता है। सुंदरबन प्रसिद्ध डेल्टा सुंदरी वृक्ष के लिए होता है, इसे ठोस और यहाँ पर वनस्पति जो है कुछ खास नहीं है, एक ही है, बस एक ही प्रकार की है, ताड़ क्रीक और एपोफाइट्स पूरे प्रदेश में प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, जिसको हम लोग एपोफाइट्स बोलते हैं कि जो लवणीय जल में उगने वाला पौधा है। लवणीय दोनों में, लवणीय और मीठे दोनों जल में पाया जाता है, खारा और मीठे दोनों प्रकार के पानी जलों में पाया जाता है। इसके अलावा चलिए हम एक देखते हैं कि वन का जो प्रतिशत है किस प्रकार का है। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो 37% है पूरे देश में। हाँ चलिए यहाँ यहाँ से देखते हैं, उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, माफ कीजिए, उष्णकटिबंधीय जो ड्राई और वेट दोनों मिला के वो 37% है जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हाँ ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये जो है सबसे ज़्यादा है। सॉरी हाँ ड्राई ड्राई वाला ये सबसे ज़्यादा है 37%। उसके बाद है शुष्क 28.8%। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 12%। आगे देखेंगे उष्णकटिबंधीय वन जो है वो उपोष्णकटिबंधीय वन 9.5%। माउंटेन फॉरेस्ट टेम्परेट है 7.7%। अल्पाइन और उप अल्पाइन है 2.9%। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है 2.6%। और मैंग्रोव वन है 0.06%। सबसे कम है मैंग्रोव वन जो कि 0.06% है। ये वनों का प्रतिशत है। और कुल मिलाकर हमने आज 11 जो प्रकार हैं वनों का उस पर हमने आज चर्चा कर लिया। तो 11 में से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि एक ज्वारीय या कक्ष, दूसरा मरुस्थलीय, तीसरा अल्पाइन तथा अर्धअल्पाइन, चौथा पर्वतीय शीतोष्ण वन, पांचवा हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, छठा हिमालय के आद्र वन, सातवां शुष्क पतझड़ वन, आठवां उपोष्ण पर्वतीय वन, नौवां उष्णकटिबंधीय कटीले वन, दसवां उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और 11वां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इन 11 प्रकार के वनों को हमने आज स्टडी किया, इस पर डिस्कस किया। कभी भी कोई एक जगह पर सारे मटेरियल्स को उपलब्ध कराना मुश्किल है या कहें कि लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया अधिक से अधिक आपको देने का। यदि इसमें कुछ कमी रहा हो तो उसका सुझाव जरूर दें। हम अगले एपिसोड्स में उन सब की पूर्ति करने की, धीरे धीरे पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।